गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जैसा कि क्लोरोप्लास्ट, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट खूब मात्रा में मिलता है। और बच्चों, क्लोरोप्लास्ट का वहाँ काम क्या होता है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं उनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट हैं उनका काम क्या होता है कि जो ये सनलाइट है, सन रेडिएशन है, इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल रेडिएशन, केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करने का काम करते हैं। या यूं कहें कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो इसके कच्चे पदार्थ हैं, रॉ मटेरियल हैं, इनकी हेल्प से, क्लोरोफिल की हेल्प से और सोलर रेडिएशन की हेल्प से ये फूड यानी कार्बोहाइड्रेट बनाने का काम करते हैं। और यह प्रोसेस क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। तो क्लोरोप्लास्ट का यहाँ महत्वपूर्ण जो काम क्या है, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की को करना, ठीक है, भोजन बनाना, कार्बोहाइड्रेट को फॉर्म करना। अब बच्चों, अपने बात करते हैं इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर, क्लोरोप्लास्ट की अगर अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें तो तीन इसके अलग अलग पार्ट्स हो सकते हैं। जो पहला पार्ट है वो है डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड एनवेलप, सेकंड स्ट्रोमा, थर्ड ग्रेना। तो एक एक पार्ट अपने इसको यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं इसकी जो डबल जो मेम्ब्रेन है, दोहरी जो झिल्ली है, उसके बारे में बात करते हैं। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि ये जो ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट, इसके चारों ओर दोहरी झिल्ली पाई जाती है, यानी डबल मेम्ब्रेन से यह कवर रहता है। जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज आउटर मेम्ब्रेन, और आउटर मेम्ब्रेन के जस्ट जो नीचे होती है वो है इनर मेम्ब्रेन। दोनों जो मेम्ब्रेन है कैसी होती हैं, चिकनी भित्ती वाली और समतल होती हैं। और प्रत्येक जो मेम्ब्रेन है, चाहे आउटर चाहे इनर, प्रत्येक जो मेम्ब्रेन है उसकी थिकनेस की बात करें, मोटाई की बात करें, तो 50-80 अंगस्ट्रोम मोटी होती हैं, ठीक है। बच्चों, दोनों जो मेम्ब्रेन है, आउटर और इनर, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक हल्का सा स्पेस मिलता है, अवकाश मिलता है, और वह स्पेस क्या कहलाता है, पेरिप्लास्टिडियल स्पेस। और इस स्पेस का जो डायामीटर है वो 80 से 100 एंगस्ट्रोम मोटा स्पेस मिलता है, दोनों झिल्लियों के बीच में अवकाश मिलता है, स्पेस मिलता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड इज पेरिप्लास्टिडियल स्पेस। बच्चों, जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन दोनों की बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन किससे जुड़ी रहती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। आउटर मेम्ब्रेन किससे जुड़ी रहती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, अंतःपरद्वीय जालिका। और इनर जो मेम्ब्रेन है वो किससे जुड़ी रहती है, वो ग्रेना से। अभी आगे अपने इसको डिस्क्राइब करेंगे। आउटर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी रहती हैं, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो किससे जुड़ी रहती है, ग्रेना के साथ जुड़ी रहती है। आउटर मेम्ब्रेन कम पारगम्य होती है और इनर मेम्ब्रेन उससे भी कम पारगम्य होती है, या यूं कहें कि जो इनर मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन की तुलना में कम पारगम्य होती है, ठीक है। केवल कुछ ही जो अणु हैं उनको अपने में से आर पार होने जाती है, ठीक है। अब बच्चों, अपने बात करते हैं स्ट्रोमा की। जो इनर मेम्ब्रेन है ये क्या है, स्ट्रोमा को घिरे हुए रहती है। बच्चों, यहाँ पर जो स्ट्रोमा है वो सेमी फ्लूइड, एक अर्ध तरल अवस्था में रहता है, हेट्रोजीनियस प्रकृति का होता है, और लगभग 50% प्रोटीन से मिलकर बना रहता है। स्ट्रोमा को क्या बोलते हैं, पीठिका। हेट्रोजीनियस विषमांगी प्रकृति का है, विभिन्न प्रकार के अणु इसके अंदर रहते हैं, और लगभग 50% इसका जो हिस्सा है वो केवल प्रोटीन से मिलकर बना होता है। बच्चों, प्रोटीन के अलावा इसमें क्या होता है, राइबोसोम, यानी 70S प्रकार के राइबोसोम मिलते हैं, आरएनए भी मिलते हैं, और जो डीएनए मिलता है वो डीएनए, बच्चों यहाँ पर आप देखो डीएनए यहाँ पर कैसा होता है, सर्कुलर यानी वृत्ताकार डीएनए, और
क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर खुद का डीएनए है, इसलिए इसको बोलते हैं CTDNA यानी क्लोरोप्लास्ट डीएनए। और इसके साथ लिपिड्स भी मिलते हैं, और जो मैट्रिक्स है, स्ट्रोमा है, उसके अंदर ऑस्मियोफिलिक ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे कण भी यहाँ पर मिलते हैं। बच्चों 50% तो लगभग प्रोटीन से मिलकर बना होता है, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स का 50% हिस्सा तो प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और इसमें जो राइबोसोम मिलते हैं वो 70S प्रकार के होते हैं। बच्चों इसमें राइबोसोम जो 70S प्रकार के होते हैं, आपको मालूम है कि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। राइबोसोम का यहाँ काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन को बनाना, ठीक है। इसलिए राइबोसोम को प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। आरएनए भी मिलता है, और इसमें बच्चों डीएनए भी मिलता है। अब इसमें डीएनए जो इस सर्कुलर डीएनए के रूप में होता है, बच्चों डीएनए के फंक्शंस क्या क्या हैं, जो मुख्य सेल का जो मुख्य डीएनए होता है, उसी भांति ये जो डीएनए है क्लोरोप्लास्ट के भीतर जो डीएनए है उसका खुद का, इसके फंक्शन भी डिटो एज इट इज होते हैं। डीएनए यहाँ क्या करता है, सेल्फ रेप्लिकेशन, इसको बोलते हैं स्वयं प्रतिगति, हूबहू अपने ही जैसी कॉपी ये बनाने में सक्षम है, इसको बोलते हैं सेल्फ रेप्लिकेशन या स्वयं प्रतिकृति, अपने जैसा ही डीएनए बनाने में ये सक्षम है, ठीक है। और क्या करता है, डीएनए से यहाँ पर आरएनए भी बनता है, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए के यहाँ दो काम है, एक तो अपने जैसा ही डीएनए परफॉर्म करना, डीएनए बनाना, और दूसरा क्या है, आरएनए की फॉर्मेशन करना। डीएनए से जब डीएनए बनता है तो रेप्लिकेशन इसको बोलते हैं, और डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो बच्चों इस प्रकार अपने ये कह सकते हैं कि एक सेल के अंदर दूसरी सेल यानी कोशिका के अंदर कोशिका इसको बोल सकते हैं, और इसके साथ इसको क्या बोल सकते हैं, ओटोमनास ऑर्गेनेल, ओटोमनास ऑर्गेनेल्स। बच्चों जो क्लोरोप्लास्ट है खुद अपने जैसे क्लोरोप्लास्ट को परफॉर्म करने में सक्षम है, क्यों, इसके अंदर सभी प्रकार के जो गुणधर्म हैं वो मिलते हैं। तो पूर्व में उपस्थित जो क्लोरोप्लास्ट है वो क्लोरोप्लास्ट अपने जैसे ही नए क्लोरोप्लास्ट बनाने में सक्षम है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्वायत्त कोशिकांग यानी ओटोमनास ऑर्गेनेल, ठीक है। अब अपने बात करते हैं बच्चों यहां पर ग्रेना की। तो स्ट्रोमा के अंदर प्रोटीन, राइबोसोम, आरएनए, डीएनए, लिपिड्स, ऑस्मियोफिलिक ड्रॉपलेट्स के अलावा इसमें ग्रेना भी मिलती हैं। ग्रेना यहां पर क्या है, फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, ये देखो फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या कहलाती हैं, ग्रेना। अगर इसको जूम करके देखें तो वास्तव में जो ग्रेना है ये ग्रेना क्या है, छोटी छोटी बिंब लाइक जो स्ट्रक्चर है, जैसे स्टॉक ऑफ कॉइन, जैसे जो सिक्का होता है, कॉइन्स होते हैं, सिक्के होते हैं, सिक्के के जो चट्टे होते हैं एक के ऊपर एक ऐसे यूं करके, तो स्टॉक ऑफ कॉइन्स, कॉइन्स के जो चट्टे हैं इनको क्या बोलते हैं, थाइलेकोइड्स, और थाइलेकोइड्स आपस में मिलकर ग्रेना की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, आपस में मिलकर ग्रेना की फॉर्मेशन करते हैं। बच्चों यहाँ पर आप देखो कि जो ग्रेना है एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर 40 से 60 एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रेना है वो मिलते हैं। और इसी प्रकार ये जो थाइलेकोइड्स है, बच्चों मैं ये जो ओवरलेप कर रहा हूँ ये क्या है, ये थाइलेकोइड्स है, ठीक है, ये एक थाइलेकोइड्स, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ऐसे स्टॉक ऑफ कॉइन, सिक्कों के चट्टों जैसी स्ट्रक्चर परफॉर्म करते हैं, और इनको क्या बोलते हैं, अपने ग्रेना बोलते हैं, ठीक है। और एक ग्रेना, ग्रेना जो है एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर 40 से 60 तक इनकी संख्या हो सकती है, इसी प्रकार एक ग्रेना के अंदर 10 से 100 तक इनकी संख्या हो सकती है। एक ग्रेना के अंदर जो थाइलेकोइड्स हैं उनकी संख्या 10 से 100 तक हो सकती है। बच्चों यहाँ पर जो थाइलेकोइड्स हैं उसकी खोज किसने की थी, मेंके ने की थी, इन 1962 में मेंके ने की थी। और इसी प्रकार
क्वांटाजोम, जो थाइलेकोइड्स है, अगर इनकी सरफेस या भित्ति की बात करें तो छोटे छोटे कण मिलते हैं, छोटे छोटे कण मिलते हैं, और ये जो कण हैं ये क्या कहलाते हैं, क्वांटाजोम कहलाते हैं। क्वांटाजोम यहाँ पर वास्तव में जो क्वांटाजोम है, क्वांटाजोम क्या है, एक क्वांटाजोम के अंदर 200 से लेकर 230 तक क्लोरोफिल के अणु मिलते हैं। बच्चों क्लोरोफिल के जो अणु हैं ये क्या करते हैं, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, सन रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो क्वांटाजोम के अंदर 200 से लेकर 230 तक जो क्लोरोफिल के अणु मिलते हैं, और क्वांटाजोम की खोज किसने की थी, पार्क एंड पोन ने। बच्चों यहाँ जो क्वांटाजोम है वो क्लोरोप्लास्ट की फंक्शनल यूनिट है, क्रियात्मक इसकी इकाई है। वास्तव में जो फोटोसिंथेसिस जो होता है, भोजन का निर्माण होता है, फोटोसिंथेसिस की जो क्रियाविधि होती है वो कहाँ होती है, यहाँ क्वांटाजोम्स के अंदर ही होती हैं, क्लोरोफिल के अंदर ही होती हैं, इसलिए इसको फंक्शनल यूनिट भी बोलते हैं, इसको क्रियात्मक यूनिट भी बोलते हैं। बच्चों यहाँ पर आप देखो कि जो ग्रेना है, एक ग्रेना दूसरी ग्रेना के साथ एक चैनल के द्वारा जुड़ी रहती है, इसको बोलते हैं इंटरग्रेनम, या इसको बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिली, या इसको बोलते हैं फ्रेट चैनल। यहाँ पर देखो ये जो ग्रेना है, एक ग्रेना दूसरी ग्रेना के साथ एक चैनल के द्वारा जुड़ी रहती है, इसको इंटरग्रेनम भी बोलते हैं, स्ट्रोमा लेमिली भी बोलते हैं, फ्रेट चैनल भी बोलते हैं। बच्चों यहाँ पर जो क्वांटाजोम है वो केवल ग्रेना में ही मिलते हैं, इंटरग्रेनम में क्वांटाजोम नहीं मिलते, इसलिए यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस है वो केवल फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन केवल किस में होती है, ग्रेना में, ना कि इंटरग्रेना में।